नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5 में पाठ 7 वृक्षों की महिमा का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमारे आज के भाग का शीर्षक है वन संपदा संरक्षण, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। बच्चों, आज के इस भाग को हम एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और मेरी कहानी के दो पात्र हैं। ये है मेरी कहानी का पहला पात्र, इसका नाम है भंवर, और ये है मेरी कहानी का दूसरा पात्र योगीराज। तो चलो अपनी कहानी को शुरू करते हैं और पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। योगीराज और भंवर कल एक स्थानीय मेला देखने गए थे। रास्ते में चलते चलते योगीराज कहता है, भंवर, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में मुझे तो बहुत आनंद आया। सही कहते हो योगीराज, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। भंवर, मुझे तो मेले प्रांगण के पास एक बहुत बड़ा चारागाह और उरण देखने को मिला था। अरे योगीराज, ये चारागाह और उरण किसे कहते हैं? मैं तो इस विषय में कुछ नहीं जानता। देखो भंवर, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने बहुत से पेड़, झाड़ियाँ और बिना जुताई की जमीन देखी है। उन पेड़ और झाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती। अच्छा योगीराज, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है इस विषय में? अरे भंवर, सीधी सी बात है, अगर हम अपने परिवेश को ध्यान से देखते हैं, उसको समझते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी बातें तो हमें अपने आप पता चल जाती हैं। वैसे मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते। चलो अधिक जानकारी हम गुरुजी से लेते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते योगीराज। नमस्ते भंवर, आज कैसे आना हो गया इस ओर? हम आपके पास एक जानकारी लेने के लिए आए हैं। आप हमें बताइए कि चारागाह और ओरण क्या होता है। बहुत अच्छा, देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। तुमने अपने गांव के आसपास कोई खाली जमीन पर ऐसा देव स्थान बना हुआ जरूर देखा होगा। हाँ गुरुजी, हमने देखा है। तो बच्चों, गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। कहो, समझ में आया? हाँ गुरुजी, ये तो हमें समझ में आ गया। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है, क्या इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते? बिल्कुल सही कह रहे हो योगीराज, ऐसी भूमि से गांव वाले लकड़ी नहीं काटते। गोचर, चारागाह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। वो अपने पर्यावरण का आदर करते हैं, इसीलिए वो इसका संरक्षण करते हैं। गुरुजी, मैंने ऐसा भी सुना है कि इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कुछ कानून भी बने हुए हैं, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो तुम। देखो, गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण हमारी राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है। हाँ गुरुजी, ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, तो स्थानीय लोगों के प्रयास और सरकार द्वारा बनाए कानून से गोचर, चारागाह व ओरण भूमि का संरक्षण हुआ है। सही कहा ना मैंने गुरुजी?
हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो तुम। अरे भंवर, तुम बिल्कुल चुपचाप खड़े हो, तुम्हें भी कुछ समझ में आया या नहीं? मुझे भी सब समझ में आ रहा है गुरुजी, और एक बात और मुझे पता है कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वनों को संरक्षित किया जाता है। भंवर, तुम्हारी इस बात से मुझे एक बात और याद आई, हमारे राजस्थान में कई जिलों में वन क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, इससे उस वन क्षेत्र का संरक्षण हो जाता है। चलो मैं तुम्हें इसकी विस्तृत जानकारी देता हूँ। ये देखो, ये है राजस्थान का मानचित्र जिस पे सभी जिलों के नाम लिखे हुए हैं, और इसके साथ में यह एक सारणी है जिसमें जिले के अनुसार उस जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे हुए हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि मानचित्र में इन राष्ट्रीय उद्यानों को अंकित करना है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। नंबर एक पे लिखा है रणथंबोर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, और यह स्थित है सवाई माधोपुर जिले में। तो तुम्हें राजस्थान के मानचित्र में सवाई माधोपुर जिले को ढूंढना है और वहां पर इस तरह से नंबर एक लिखना है, और उसके आगे इस राष्ट्रीय उद्यान के नाम को भी लिखना है। ठीक इसी तरह से देखो, नंबर चार पे अलवर जिले में राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का स्थित है, तो मैं राजस्थान के मानचित्र पे अलवर को ढूंढूंगा और वहां लिखूंगा चार, और साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी लिखूंगा। ठीक इसी तरह से तुम्हें इन चारों जिलों को मानचित्र पे अंकित करना है। हो जाएगा ना ये काम? हाँ गुरुजी, इनको तो हम अब सारणी में अंकित कर लेंगे। चलो शाम हो रही है, मैं भी घर की ओर निकलता हूँ। गुरुजी, बाकी सारी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात आप बताइए कि हम छोटे बच्चे किस तरह से वृक्षों का संरक्षण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अपने जन्मदिन, नववर्ष या कोई भी दिन जो तुम्हारे लिए विशेष हो, उस दिन एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लेकर तुम भी वृक्षों का संरक्षण कर सकते हो। अरे वाह, बरसात आ गई, क्या इस समय हम वृक्षारोपण कर सकते हैं गुरुजी? हाँ हाँ बच्चों, यह वर्षा का समय वृक्षारोपण के लिए सबसे अच्छा है। चलो अब घर चलते हैं और इस बरसात में वृक्षारोपण करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, आशा करती हूँ आपको समझ में आए होगी। अब देखो, आपको अगर ये समझ में आया है तो आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न, आपके आसपास इस प्रकार से संरक्षित भूमि को क्या कहा जाता है? दूसरी बात, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गाँव में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जनचेतना थी? तीसरी बात, गोचर, ओरण और चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पे चर्चा करना और इनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। आगे बच्चों, मैं आपको कुछ बिंदु देने जा रही हूँ, इन बिंदुओं पर अपने मित्रों के साथ में, अपने परिजनों के साथ में चर्चा जरूर करना, ताकि ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बिंदु क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, पहला बिंदु है जंगल किसे कहते हैं, दूसरा बिंदु है जंगल में वृक्षों की कमी हो जाए तो क्या होगा, तीसरा बिंदु जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है, चौथा बिंदु क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं, पांचवां और अंतिम बिंदु है पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं। तो इन बिंदुओं पर चर्चा करिए, मैं
इस पाठ के तीसरे और अंतिम भाग के साथ में आपसे फिर मिलने आऊंगी। तब तक के लिए बाय।